यस हेलो एवरीवन, वॉइस ऑडिबल है आप लोग को? वेरी गुड इवनिंग। चलो तो आप हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कभी किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो डायनेमिकली ही मेमोरी एलोकेट करानी पड़ती है। डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर बनता ही नहीं है आज की तारीख में। क्यों, उसका कारण क्या है, वो अब आपको अभी कुछ ही समय में समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर ये समझ लो कि अगर किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, चाहे आप सी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, चाहे आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हो, चाहे आप जावा में काम कर रहे हो, चाहे आप पाइथन में काम कर रहे हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हो और किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो, तो वहां पर आप कोई सा भी छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर भी अगर बनाते हो तो आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना ही करना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ सी लैंग्वेज में नहीं होता, ये हर एक लैंग्वेज में होता है। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अलावा के बिना मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी में एक छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर भी कभी बना होगा। बहुत ही मतलब अगर आपने स्टैटिक एप्लीकेशन बनाई हो तो बात अलग है, नहीं तो अगर आप जितनी भी अगर आप अच्छे कंपनी की बात करते हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की बात करते हो, तो वहां पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीएमए, होगा ही होगा। अब ये होता क्या है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, पहले वो समझते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज इनेबल्स द सी प्रोग्रामर टू एलोकेट मेमोरी एट द रन टाइम। रन टाइम मतलब क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको बोलते हैं रन टाइम। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने कोई एक दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया और मैंने उसको रन किया, तो अब आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होके आती है जहां पे लिखा होता है एंटर टू नंबर, मतलब आपका प्रोग्राम चल रहा है। वो समय जो होता है, वो टाइम जो होता है, उसको हम बोलते हैं रन टाइम। ठीक है, तो जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है उस समय को हम बोलते हैं रन टाइम, और जब आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा होता है तो वो आपका जो है कंपाइल टाइम कहलाता है, मतलब कंपाइलेशन के पहले वाला टाइम, जब आपने कंपाइल या तो किया हो। ठीक है, तो रन टाइम पे मतलब कि जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है, अगर तब आप रैम में कोई मेमोरी एलोकेट करवाते हो तो वो कहलाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब आप इंट एक्स वेरिएबल लिखते हो, ठीक है, जब आप इंट एक्स वेरिएबल अगर लिखते हो तो यहाँ पर भी आपकी एक्स को मेमोरी एलोकेट होती है। अगर आपने यहाँ पर फ्लोट वाई लिखा है तब भी आपके प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन इंट एक्स और फ्लोट वाई ये सारी चीजें जो है कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही चला लेता है। क्या करता है कंपाइलर जो है, इसको कंपाइल टाइम पे ही चला लेता है और प्रोग्राम के रन होने से पहले ही इन सभी वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हो जाती है। मतलब अगर हमने इंट एक्स फ्लोट वाई लिखा है तो इनको मेमोरी कब एलोकेट होती है, बिफोर रन टाइम, रन होने से पहले, मतलब कि रन होते से ही, होते के साथ में ही इसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है इंट एक्स और इंट वाई को। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मुझे ऐसी जरूरत पड़ गई कि प्रोग्राम जब चल रहा है उस समय मुझे जरूरत पड़ गई कि नहीं, मुझे इतने वेरिएबल से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे और वेरिएबल चाहिए, मुझे और वेरिएबल बनाना है, मुझे और मेमोरी एलोकेट चाहिए, तो रन टाइम पे अगर हमें कोई मेमोरी एलोकेट करानी होती है तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो आपको ये समझ में आया कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कि अगर हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है और उस समय अगर हमें कोई मेमोरी की जरूरत होती है तो उस समय अगर हमें कोई मेमोरी हम एलोकेट कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। बात समझ में आई? विशाल, राहुल, सार्थक, नागेश, गुड इवनिंग। आ गई बात समझ में ये वाली? ठीक है, तो अब कैसे किया जाए। ठीक है ना, अब बात आती है कि कैसे किया जाए। जैसे कि हम मान लीजिए कि मुझे बहुत सारी मेमोरी एलोकेट करानी है, तो मैं पहले से भी करा के रख सकता हूँ। मान लो कि मैंने एरे बना दिया इंट ए, मान लो इंटीजर नंबर स्टोर करना और 100 साइज का मैंने एरे बना दिया, लेकिन बाद मान लो मुझे बाद में पता चला कि नहीं, मुझे 100 से मेरा काम चलेगा ही नहीं, मुझे तो 200 मेमोरी एलोकेशन चाहिए। ठीक है, फिर आपने सोचा कि चलो इस प्रोग्राम को दोबारा से चला देते हैं और फिर से हम एक और एरे बना देते हैं जिसका साइज हम कर देते हैं 200। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने कोई एरे बनाया तो आपको एरे में भी साइज पहले से बताना पड़ता है कि कितना साइज का मेमोरी ब्लॉक आपको बनाना है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम कभी भी अगर कोई प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो प्रोग्राम में अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो हमें पहले से बताना पड़ता है कि उसका साइज क्या होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम पहले से कैसे पता हमें कि क्या कितना साइज लगेगा। मान लीजिए कि आपने किसी बैंक का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो आपको क्या पता कि उस बैंक में कितने लोग अकाउंट खुलवाने वाले हैं, क्योंकि जितने लोग अकाउंट खुलाएंगे
उतने वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब स्ट्रक्चर और यूनियन की मदद से अकाउंट का हमने वेरिएबल बना दिया, लेकिन अकाउंट का जो हमने वेरिएबल बनाया है उसका एरे बनाना पड़ेगा जितने अकाउंट हमें ओपन करने हैं, लेकिन कितने अकाउंट ओपन करने हैं ये हमें पहले से कैसे पता होगा, बैंक को ये कैसे पता होगा कि उसके यहाँ कितने अकाउंट्स ओपन होंगे, हो सकता है उसके यहाँ 100 अकाउंट ओपन हो सकता है 1000 अकाउंट ओपन हो, या फिर आने वाले 5 से 10 साल में कोई स्कीम चल जाए वहां पर लाखों लोग अकाउंट ओपन करवा ले, तो यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर में हम पहले से नहीं बता सकते हैं कि कितने लोग अकाउंट ओपन कराएंगे, तो हम वहां पर मेमोरी को एलोकेट एग्जीक्यूशन से पहले नहीं करा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब भी कोई नया अकाउंट ओपन करने के लिए आए हम उसके लिए मेमोरी एलोकेट करवाए और वहां पर उसका अकाउंट ओपन कर दे, अगर ऐसा करने को हमें मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो उसी चीज को हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब कि जब हमें जितनी मेमोरी की जरूरत होगी तब हम उतनी मेमोरी को एलोकेट करवाएंगे। मतलब अगर मान लो मुझे अगर एक अकाउंट ओपन करना है तो मैं एक ही के लिए मेमोरी एलोकेट करवाऊंगा, जब कोई दूसरा नया पर्सन आएगा और उसको अकाउंट ओपन करना होगा तब हम दूसरे पर्सन के लिए मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। मतलब आपका प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चल रहा है, जैसे जैसे कोई लोग आते जा रहे हैं उसके लिए आप मेमोरी एलोकेट करवाते जा रहे हो रन टाइम पर, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय, उसको हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, आया बात समझ में? फिर से मैं समझा देता हूँ एक और तरीके से। जैसे कि मान लो कि स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आप गए हो, अब स्कूल को ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, तो अगर उन्होंने पहले से ही सॉफ्टवेयर ऐसा बना के रखा कि 100 स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर सकते हैं, तो अगर 100 से ज्यादा स्टूडेंट अगर एडमिशन लेने के लिए आए तो वहां पर काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि वो 1000 स्टूडेंट का अगर मान लो डेटाबेस बना के रख देते हैं पहले से, तो मेमोरी का वेस्टेज होगा। तो हमारे लिए तरीका क्या हो जाएगा, हमारे लिए तरीका ये होगा कि ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिसमें सॉफ्टवेयर चलता रहे और जैसे जैसे एक एक स्टूडेंट एडमिशन लेता जाएगा उसी समय उसके लिए मेमोरी ब्लॉक बनेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करा लेंगे। तो अगर प्रोग्राम के चलते चलते में ही अगर आप मेमोरी एलोकेट करवा पा रहे हो उसको हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब ये कैसे होता है सी लैंग्वेज में? तो सी लैंग्वेज में एक हेडर फाइल आपको दी हुई है stdlib.h। इस stdlib.h हेडर फाइल में कुछ फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है जो फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। वो कौन से चार फंक्शन है? मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक और फ्री। ये चार फंक्शन है जो आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, सारे वीडियोस देख लिए हैं, करो, वेरी गुड। यूनियन पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आगे हम देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आगे करते लेंगे रहेंगे सुरेश, लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत कुछ अभी कवर करना बाकी है, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया है मयूर, बाकी लोग आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है। चलो, तो अब हम एक एक करके इन चारों फंक्शंस को समझते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि एक्चुअली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, ठीक है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन दो अलग अलग चीजें होती है। अभी तक जो भी हम कोड करते आ रहे थे वो सारा कोड जो था वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था, और अब जो हम कोड करेंगे वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। और बिल्कुल सही कहा शाकिल ने कि जब मेमोरी आपकी जो होती है, जो रैम होती है आपकी, इसमें कई तरीके के पार्टीशंस होते हैं। ये जो आपकी रैम होती है, इस रैम में कई सारे पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। एक पार्टीशन आपका स्टैक के लिए होता है, ठीक है, एक पार्टीशन आपका हीप के लिए होता है, ऐसे अलग अलग आपके पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। तो जो भी आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करवाते हो वो सारा जो होता है वो आपका डेटा सेक्शन भी एक होता है, तो वो आपका डेटा सेक्शन में जाता है, ठीक है। जो भी आप नॉर्मल स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो वो आपके डेटा सेक्शन में जाता है। जब आप कोई पैरामीटर पास करते हो, ठीक है, इंट, कैर, फ्लोट, जो आप पैरामीटर पास करते हो वो सब आपका स्टैक में जाता है। और डायनामिकली जब आप कोई मेमोरी एलोकेट कराते हो तो उसकी जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप में होती है। अब ये सारी बातें अगर किसी को समझ में आ जाए तो कोई आ जाए तो अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप ये समझ लो कि ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो कहाँ पर होता है? हीप सेक्शन में होता है। आपकी रैम में एक हीप सेक्शन होता है जो कि ग्रो और श्रिंक हो सकता है, मतलब वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। उस जगह पर आपका जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। नहीं समझ में आया ये बात, कोई चिंता की बात नहीं है, अभी जब हम कोडिंग करेंगे तो यहाँ पर ये कोई बात आपके काम नहीं आएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि डायनामिकली जो हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं वो रैम के कौन से हिस्से में उसको मेमोरी मिलती है, तो आप बोलोगे हीप सेक्शन में उसको मेमोरी एलोकेट होती है।
ठीक है। चलिए तो, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा मैं, है ना, तो मैं आपको और डिटेल में वहां पर बता दूंगा। तो अभी तक जो भी हम प्रोग्राम बना रहे थे वो सब स्टैटिक मेमोरी एलोकेट हम करवा रहे थे। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, मेमोरी इज एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे ही आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है, जैसे कि इंट एक्स इंट वाई अगर आप लिखते हो तो कंपाइल टाइम पे ही पता होता है हमें कि कौन कितने साइज का मेमोरी हमें एलोकेट कराना है। मेमोरी कांट बी इंक्रीज्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। और अगर आप प्रोग्राम चला रहे हो तो स्टैटिकली अगर आपने कोई मेमोरी एलोकेट कराई है तो आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने एरे का साइज बनाया था 10 साइज का और आप उसको 20 कर दो, नहीं। अगर आपने एरे 10 साइज का बनाया है तो वो एरे 10 साइज का ही रहेगा थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और इसका एक एग्जाम्पल है एरे, जो हम एरे बनाते हैं वो एक एग्जाम्पल है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अब मेमोरी इज एलोकेटेड एट द रन टाइम। अगर आपने मेमोरी को एलोकेट करवाते हो रन टाइम पे तो वो कहलाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी कैन बी इंक्रीज्ड व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब आप मेमोरी का साइज बढ़ा सकते हो, यही कहलाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसका एग्जाम्पल है लिंक लिस्ट। जैसे कि आपको पता है लिंक लिस्ट, अगर आपने पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर, तो लिंक लिस्ट में आप अपना नया नोड बनाते जाते हो और लिंक लिस्ट एक्सपेंड होती जाती है। क्यों एक्सपेंड हो पाती है, क्योंकि वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू उसके नोड्स क्रिएट होते हैं। आई बात समझ में? चलो तो अब कैसे अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो समझते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चार फंक्शन यूज में आएंगे, मेलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेलॉक फंक्शन क्या होता है। मेलॉक फंक्शन दो नामों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर एम का मतलब होता है मेमोरी और एलॉक का मतलब होता है एलोकेशन, एलोकेशन। तो ये इन दो वर्ड से मिलकर इसका नाम दिया हुआ है मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन एम, मेमोरी का एम और एलोकेशन का एलॉक, इसको मिलाकर हमारा वर्ड बना है मेलॉक, ठीक है। तो इस मेलॉक फंक्शन का नाम है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन है मतलब एक प्री डिफाइंड, जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शन होते हैं वैसे ही ये भी एक फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके रैम में अगर जितनी मैं जगह मांग रहा हूं अगर उतनी जगह एलोकेटेड अगर आप मुझे करा के दे सकते हो तो वो जगह मुझे दे दो, ठीक है। मतलब कि आप एक तरीके से गवर्नमेंट के पास गए, आपको घर बनाना था, आपने कहा कि मुझे घर बनाना है 10x20 साइज का, है ना, 10x20 का आपको घर बनाना है। तो आप गवर्नमेंट के पास गए और आपने गवर्नमेंट से बोला, जो भी आपका नगर निगम या हाउसिंग बोर्ड है उससे जाके आपने बोला कि मुझे 10x20 का मुझे एक प्लॉट चाहिए जहां पर मुझे अपना घर बनाना है। तो अगर गवर्नमेंट के पास वो घर होगा, मतलब प्लॉट अगर होगा, तो वो प्लॉट आपको दे देंगे। लेकिन वो प्लॉट कैसे देंगे, वो आपको एक एड्रेस देंगे कि एक काम करो उस जगह पर जाना और वहां पर इस जगह पर जाना, एड्रेस बता देंगे वो, और उस जगह पर एक प्लॉट है वहां पर आप अपना घर बना सकते हो। तो मेलॉक फंक्शन भी बिल्कुल यही काम करता है। मेलॉक फंक्शन जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और कहता है कि मुझे इतने बाइट का मेमोरी ब्लॉक चाहिए है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट कर सकता है तो वो उसका एड्रेस मेलॉक को दे देगा, जो कि मेलॉक फंक्शन रिटर्न करेगा। आपको पता है फंक्शन अगर हो सकता है कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो मेलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है। एड्रेस किस लोकेशन का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेमोरी एलोकेट करी है वो। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेमोरी हमेशा एलोकेट हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप गए घर मांगने के लिए, जगह बनाने के लिए, तो हो सकता है कि जितनी आप जगह मांग रहे हो उतनी जगह गवर्नमेंट के पास ना हो, तो वो आपको मना कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी अगर जगह नहीं होगी तो वो मेलॉक फंक्शन को मना कर देगा कि नहीं, अब जगह नहीं है हमारे पास। और अगर ऐसा होता है तो फिर मेलॉक फंक्शन नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मेलॉक फंक्शन दो चीज रिटर्न करता है, या तो वो नल रिटर्न करेगा, अगर वो नल रिटर्न करेगा इसका मतलब कि उसको कोई भी जगह एलोकेट नहीं हुई है, और अगर उसको जगह एलोकेट हो गई है तो वो उस जगह का एड्रेस रिटर्न करेगा। अब ऑब्वियसली एड्रेस जो होता है वो कहां पे रखना पड़ता है, पॉइंटर में। तो यहां से जो ये एड्रेस रिटर्न करेगा वो क्या होगा, पॉइंटर होगा। पॉइंटर को हम एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि प्रोग्राम जब हम बना रहे हैं तो हमें कैसे पता कि हम जो मेमोरी एलोकेट करवाएंगे उसमें इंटीजर नंबर स्टोर करने वाले हैं कि कैरेक्टर का नंबर स्टोर करने वाले हैं कि फ्लोट का, हमें नहीं पता। तो पॉइंटर भी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा ये हमें नहीं पता होता। तो फिर पॉइंटर किस टाइप का बनाया जाए, इंट टाइप का बनाया जाए, कैर टाइप का बनाया जाए कि फ्लोट टाइप का बनाया जाए। तो आपको मैंने पढ़ाया था वॉइड पॉइंटर,
वाइड पॉइंटर मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था कि अगर आपको ये ना पता हो कि आपका पॉइंटर किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने वाला है तो आप अपने पॉइंटर को वॉइड टाइप का बना दो। तो यहां से जो मैलॉक फंक्शन जो रिटर्न करता है वो कैसा पॉइंटर होता है, वो वॉइड टाइप का पॉइंटर होता है। ठीक है, तो यहां पर मैलॉक फंक्शन अगर एड्रेस रिटर्न करेगा तो वो किस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो आप, वॉइड टाइप के। ठीक है, अगर आपको वॉइड में स्टोर नहीं करना है, इंट में स्टोर करना है, कैर में स्टोर करना है, तो फिर आपको उस एड्रेस को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब वो टाइप कास्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। इतनी बात आपको आई समझ में? 10% भी अगर जो मैंने कहा है अगर वो आपको समझ में आ गया है तो आगे की कहानी मैं आपको अभी 5 मिनट के अंदर समझा दूंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होगी। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या लिखा है। द मैलॉक फंक्शन एलोकेट्स द सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी, मतलब वो एक ही ब्लॉक एलोकेट करता है मैलॉक फंक्शन, जितना हमने मांगा है उतने साइज का। इट हैज गार्बेज वैल्यू इनिशियली, और उसके अंदर वैल्यू क्या होती है, गार्बेज, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हुआ है वहां पे हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू एलोकेटेड हो सकता है ना हो। तो मैलॉक फंक्शन से जो भी मेमोरी ब्लॉक हमें मिलेगा उसके अंदर बाय डिफॉल्ट गार्बेज होगा। इट रिटर्न्स नल इफ द मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट, और अगर मेमोरी नहीं मिलती है तो वो क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है। ठीक है, ये इसका टाइप है। आप क्या करोगे, मैलॉक फंक्शन लिखोगे और उसके पैरामीटर में पास करोगे कि कितने साइज का आपको मेमोरी ब्लॉक एलोकेट कराना है और फिर उसको पॉइंटर में असाइन कर दोगे। लेकिन पॉइंटर में असाइन करने से पहले उसको टाइप कास्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो मैलॉक है वो वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मुझे 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करवानी है जो कि इंटीजर टाइप की है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मैलॉक और मैलॉक को मैं बोल दूंगा कि 4, तो वो समझ जाएगा कि उसको 4 बाइट एलोकेट करवाने हैं। ठीक है, तो मैं कॉल करूंगा मैलॉक और मैलॉक के ब्रैकेट में पास कर दूंगा 4। तो क्या करेगा ये, ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलेगा कि मुझे 4 बाइट एलोकेट करके दे दो। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 4 बाइट एलोकेट कर पाएगा तो वो रिटर्न करेगा एड्रेस। एड्रेस आप स्टोर कराओगे किसमें, इंट टाइप के पॉइंटर में। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हो कि ये जो 4 बाइट है वो इंटीजर का पॉइंटर हो, तो आप इसको इंट पॉइंटर में स्टोर करना चाह रहे हो। लेकिन यहां पर ये जो मैलॉक फंक्शन जो रिटर्न करने वाला है वो वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा, तो आपका जो वॉइड टाइप का पॉइंटर है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैलॉक के पहले ऐसे ब्रैकेट लगाओगे और ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे इंट एस्ट्रिक। इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब कि आपने इसका जो टाइप था उसको कन्वर्ट कर दिया। तो मैलॉक जो पॉइंटर रिटर्न करने वाला था वो था वॉइड टाइप का, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इंट टाइप में। अब उसको आप इंट टाइप के पॉइंटर में स्टोर करा सकते हो। तो अब ये पी पॉइंटर क्या करेगा, उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा जो कि मैलॉक फंक्शन ने एलोकेट कराई है। तो मान लो कि मैलॉक फंक्शन ने ये 4 बाइट एलोकेट करवाई और हमारा ये एक पी पॉइंटर बना। तो मान लो कि ये जो 4 बाइट एलोकेट कराई इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ने एड्रेस रिटर्न करा 100, तो मैलॉक फंक्शन ने 100 रिटर्न करा और ये पी टाइप के पॉइंटर के अंदर हमने असाइन करा दिया। तो अब पी पॉइंटर जो है इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब इस लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको एड्रेस को एक्सेस करना है तो आप लिखोगे पी, और अगर उसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप लिखोगे एस्ट्रिक पी, जो कि नॉर्मल पॉइंटर में हम करते हैं वो काम। थोड़ा बहुत आया समझ में? अभी एक प्रोग्राम बना के समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, 5-10% समझ में आया, अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं तो और 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक प्रोग्राम बना के आपको बताता हूँ, बहुत छोटा सा और सिंपल सा प्रोग्राम बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। तो इसकी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड std.lib.h, हेडर फाइल हम इंक्लूड कराएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, stdlib.h हेडर फाइल को हम इंक्लूड कराएंगे। अब हमने मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर
मैंने क्या कहा, एक पॉइंटर वेरिएबल बना देते हैं इंट एस्ट्रिक पी, इंट एस्ट्रिक पी एक पॉइंटर बना देते हैं, और मैं कंपाइलर मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम से मैलॉक फंक्शन कॉल करा के कि मुझे 4 byte एलोकेट कर दो, ठीक है। और क्योंकि ये void टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा तो इसको मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो इंट एस्ट्रिक लिख देता हूं, तो यहां से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी मुझे इस पॉइंटर में अगर मिलती है तो। अब हो सकता है कि मैलॉक फंक्शन जो मेमोरी एलोकेट करवाए वो ना करवा पाए, ठीक है, बिना हेडर फाइल के देखो चलाकर देखना एरर आ सकती है, ठीक है ना। चलो तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इफ इफ एक कंडीशन हमेशा लगा दो कि इफ इक्वल टू नल, पी इक्वल टू नल, मान लो कि अगर पी में नल है, पी में नल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं मेमोरी इनसफिशियंट, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, मेमोरी नॉट अवेलेबल लिख देते हैं, है ना, मेमोरी नॉट अवेलेबल हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल सिंपल रिटर्न कर देंगे, मतलब हमारे प्रोग्राम को हम टर्मिनेट कर देंगे, आगे का कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है, हाँ नल आएगा, सॉरी तो स्पेलिंग गलत लिख दी, नल, ठीक है। तो अगर p इक्वल टू नल है इसका मतलब कि हमारी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, हम प्रिंट करेंगे मेमोरी नॉट अवेलेबल और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन मान लो कि अगर मेमोरी एलोकेट हो गई तो अब हम चाह रहे हैं कि उस मेमोरी में हम कोई वैल्यू रखवा दें, तो मैं लिखूंगा printf enter a number, enter a number, ठीक है, और एक नंबर एंटर करवा लेता हूं और उसको scanf की मदद से एंटर करवा लेता हूं, तो scanf percent d। अब हमें यहां पर एड्रेस पास करना पड़ता है, अगर मैं सिंपल p लिख देता हूं तो ऑब्वियसली p किसको पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो मेमोरी एलोकेट हुई है, तो यहां पर अब आपको एंड एंड नहीं लगाना, एड्रेस नहीं लिखना, एंड ऑफ p लिख दोगे मतलब p का एड्रेस नहीं, p का एड्रेस नहीं, सिर्फ p लिखोगे, p लिखने से क्या होगा, p जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो खुद एड्रेस ही है, तो अगर आप p लिखते हो मतलब आप एड्रेस ही प्रिंट कर रहे हो, और फिर आपने वैल्यू प्रिंट करवा दी कि यहां पर आप वैल्यू प्रिंट करवा दोगे एंटर्ड वैल्यू इज परसेंट डी, और जो भी वैल्यू एंटर कराई है उसको उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करना है, तो जब वैल्यू प्रिंट करना है तो एस्ट्रिक पी लिख के हम उसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें वैल्यू प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे एस्ट्रिक पी, ठीक है, हाँ अगर हम चाहें तो बैकस्लैश 0 भी यहाँ पर लिख सकते थे क्योंकि वो भी नल को पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। चलो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल पा रहा है या नहीं, कुछ एरर तो नहीं आ रही है, देख लेते हैं, है ना। जैसे ही हमने इसको चलाया तो देखो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर पे आया इसका मतलब कि मेमोरी एलोकेट हो गई, अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती तो यहाँ पर हमारा मेमोरी नॉट अवेलेबल प्रिंट हो जाता, लेकिन अगर हमारा एंटर अ नंबर पर आ गया है इसका मतलब कि मेमोरी एलोकेट हो गई है। अब मैं वैल्यू एंटर कर देता हूँ मान लो 23 और एंटर कराया, तो देखो यहाँ पर लिखा आ गया एंटर्ड वैल्यू इज 23, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आपने जो वैल्यू दी 23 वो कहाँ चले गई, पी जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस पर, और फिर एंटर्ड वैल्यू इज 23 प्रिंट हो गई एस्ट्रिक पी से। आ गई बात समझ में, आगे समझ में मैलॉक फंक्शन। इसको एक काम करते हैं, अब हम एक और तरीके से इसको करवाते हैं। मान लो कि आपको नहीं पता कि इंट जो है वो कितना साइज लेता है, तो आप यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, साइज ऑफ इंट भी लिख सकते हो। तो साइज ऑफ इंट आपको पता है क्या होता है, साइज ऑफ इंट 4 byte होता है, तो अगर आप यहाँ पर साइज ऑफ इंट लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, और इसको चलाओगे तब भी आपका प्रोग्राम ऐसा ही चलेगा। तो यहाँ पर मैं एंटर करा देता हूँ 34 और यहाँ पर एंटर्ड वैल्यू इज 34। आई बात समझ में, क्लियर है। अगर आपको इंटीजर टाइप की बहुत सारी वैल्यूज एलोकेट करवानी है, मान लो इंटीजर टाइप की 10 वैल्यू एलोकेट करानी है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट, तो अब क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इंट मतलब 4 byte, और ऐसे 10 ब्लॉक आपने एलोकेट करा दिए तो 40 bytes एलोकेट हो जाएंगे। अब 40 byte को एग्जीक्यूट करना है ना, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया ना, बस होता जाएगा उसकी चिंता मत करो। अब मान लो कि हमने यहाँ पर लिख दिया साइज ऑफ इंट तो 4 byte हो गया और इंटू कर दिया 10, तो इसके कारण अब 40 byte एलोकेट हो जाएगा, और 40 byte एलोकेट हो जाएगा और वो पी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब समझो, अब अगर मान लो यहाँ पर मैंने पी लिखा
पहले बाइट को एक्सेस करेगा वो, अगर मैंने यहां पर लिखा पी प्लस वन तो वो नेक्स्ट बाइट को एक्सेस करेगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा पी प्लस टू तो वो अगले बाइट को एक्सेस करेगा, अगर मैंने लिखा पी प्लस थ्री तो वो उसके नेक्स्ट बाइट को एक्सेस करेगा। ऐसे करते करते अगर मुझे टेंथ इंडेक्स को अगर एक्सेस करना है तो ये नाइन हो जाएगा। तो एक तरीके से ये एरे की तरह काम करेगा। आप समझ पा रहे हो कि हमने 10 साइज का एरे बना दिया एक तरीके से, और पी प्लस नाइन पी प्लस टू इस सबसे एड्रेस प्रिंट होगा। और अगर हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम यहाँ पर एस्ट्रिक पी में की जगह पर क्या लिख देंगे, पी प्लस वन, पी प्लस वन लिख देंगे तो पी प्लस वन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर हमने टू लिख दिया तो पी प्लस टू पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। और हम चाहें तो इसको फॉर लूप के अंदर भी लिख सकते हैं। फॉर लूप के अंदर लिखने से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये एरे की तरह काम करेगा। तो अब देखना ये पूरा एरे की तरह काम करेगा। अब मैं यहाँ पर एंटर नंबर्स, एंटर टेन नंबर्स लिख देता हूँ, एंटर टेन नंबर्स, टेन नंबर्स लिख देता हूँ, और इसको मैं, ठीक है, और इसको मैं फॉर लूप के अंदर लिख देता हूँ, स्कैनएफ और प्रिंट स्कैनएफ को, ठीक है, स्कैनएफ को मैं फॉर लूप के अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगाया आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन टेन तक, और आई प्लस प्लस कर दिया, और यहां पर मैं लिख देता हूँ पी प्लस आई। तो पहले आई की वैल्यू जीरो होगी तो पहले वाले लोकेशन पर इंसर्ट हो जाएगा पी प्लस जीरो पर, फिर आई की वैल्यू होगी टू, आई की वैल्यू होगी थ्री, ऐसे करते करते पूरे दस नंबर जो है वो स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद वही सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है तो मैं एक और फॉर लूप लगा के सभी की वैल्यू प्रिंट कर देता हूं। तो आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन टेन और आई प्लस प्लस, और अब यहां पर मैं लिख देता हूं पी प्लस आई, पी प्लस आई लिख देता हूं। तो बस अब क्या होगा, ये 10 वैल्यू यूजर से लेगा और वो 10 वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो आप सोचो कि आपने एक तरीके से एक वैल्यू नहीं इंसर्ट कराई, आपने 10 वैल्यू इंसर्ट करा दी, एक तरीके से आपने एरे बना दिया, और यहाँ पे आप इसको एरे की तरह ही एक्सेस कर रहे हो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अच्छा, सेमी कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये मुझसे क्या पूछ रहा है, एंटर टेन नंबर्स, तो मैं टेन नंबर्स एंटर कर देता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। देखो मैंने टेन नंबर एंटर कर दिए, और अब मैं एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया, एंटर्ड वैल्यू इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। मतलब ये एरे की तरह काम करने लग गया। आई बात समझ में आपको, ठीक है, आगे समझ में। तो ये हो गया मैलॉक फंक्शन। आई होप आपको 50% समझ में आ गया होगा, है ना। आप खुद से जब प्रोग्राम बनाओगे तो 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 50% से ज्यादा तो समझ में आ गया होगा आपको। आप खुद से जब प्रोग्राम बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा होगा तो 100% समझ में आ गया होगा, किसी ने पहली बार पढ़ा होगा तो 50% में मान के चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कैलॉग फंक्शन। कैलॉग फंक्शन बिल्कुल मैलॉक की तरह ही है, बस दो डिफरेंस है इसमें। क्या, द कैलॉग फंक्शन एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी। वो एक ब्लॉक एलोकेट नहीं करता, वो जितने मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करवाना चाहो उतने वो करवा सकता है। तो मैलॉक एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक्स, ठीक है। थ्रेड जो होता है वो सी लैंग्वेज में नहीं होता, वो जावा में होता है, ठीक है। इट इनिशियली इनिशियलाइज ऑल बाइट्स टू जीरो, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जीरो इनिशियलाइज होता है। जैसे कि मैलॉक फंक्शन में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गार्बेज होता है ना। अगर आपने कैलॉग से अगर मेमोरी एलोकेट करवाई है तो उसमें बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि बाय डिफॉल्ट किसी, आप अगर चाह रहे हो कि आप जो मेमोरी एलोकेट करवाना चाह रहे हो अगर उसमें बाय डिफॉल्ट जीरो रहे, तो आप मैलॉक की जगह क्या यूज करोगे, कैलॉग यूज करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी सेम नल रिटर्न करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप दो पैरामीटर पास करते हो कैलॉग फंक्शन में, एक नंबर पास करते हो और एक बाइट पास करते हो, ठीक है। तो कैलॉग का देखना पड़ेगा स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो कैलॉग के लिए आप क्या करोगे, मैलॉक कैलॉग, तो कैलॉग के लिए आप क्या करोगे, बस सेम कोड है ना। अगर मैं प्रोग्राम से समझाऊं तो मैलॉक और कैलॉग में बिल्कुल जरा सा डिफरेंस है ना। जो आपने ये कोड लिखा है ना, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करने की जरूरत है, बस आपको एक चेंज करना है बस, और बाकी कोड बिल्कुल वैसे ही चलेगा। आप मैलॉक की जगह लिख दोगे कैलॉग, पहला चेंज क्या लिखोगे कि मैलॉक की जगह कर दोगे कैलॉग,
और मेलॉक में आपको ये मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है, क्योंकि मेलॉक फंक्शन एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता है कि नंबर ऑफ बाइट बताओ कितने एलोकेट करना है, बस वो एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। लेकिन केलॉक फंक्शन बोलता है कि मुझे दो चीजें बताओ, वो मल्टीप्लाई खुद से करता है, ठीक है, वो दो चीजें पूछता है, एक तो ये पूछता है कि कितने मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करने, तो आपने कहा 10, और पूछेगा कि हर एक ब्लॉक का कितना साइज होना चाहिए, तो आप बोलोगे इंट के बराबर। तो केलॉक फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई खुद से कर लेता है, और मेलॉक फंक्शन में हमें मल्टीप्लाई करके डालना पड़ता है, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। और मेमोरी जब एलोकेट होती है तो मेलॉक से जो मेमोरी एलोकेट होती है उसमें बाय डिफॉल्ट गार्बेज होता है, और केलॉक से जब हम मेमोरी एलोकेट करवाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। ये दो मेन डिफरेंस आपको समझने हैं, बाकी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही चल जाएगा। एंटर 10 नंबर इसने एंटर करवाया, तो मैं 10 नंबर एंटर कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एंटर। तो देखो 1 से लेकर 10 तक ये वैल्यूज प्रिंट हो गई। आगे बात समझ में, मतलब मेलॉक और केलॉक में कोई डिफरेंस नहीं है कोडिंग करने में, जैसे मेलॉक का कोड होता है वैसे ही केलॉक का कोड होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमें मेलॉक की जगह केलॉक लिखना है, और हमें यहाँ पर दो पैरामीटर पास करना है, एक नहीं, ठीक है ना। तो हमें पहला पैरामीटर बताना है कि कितने मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करवाने हैं, और दूसरा पैरामीटर हमें बताना पड़ता है कि हर एक मेमोरी ब्लॉक कितने साइज का होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। और उसके बाद रीअलॉक हम बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले मैं बता देता हूं फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन क्या करता है, जो भी मेमोरी आपने मेलॉक केलॉक से आपने अगर एलोकेट करवाई है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस मेमोरी को खुद से फ्री करो, ठीक है ना। देखो जब हम लोग इंट एक्स इंट वाई अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसको जो मेमोरी एलोकेट होती है तो कंपाइलर अपने आप उसकी मेमोरी को कब डिस्ट्रॉय करना है उसको पता है। जैसे कि मान लो कि आपने अगर लोकल वेरिएबल बनाया है तो कंपाइलर को ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि ये फंक्शन जब तक है तब तक इस वेरिएबल को रखना है, जैसे ही ये फंक्शन खत्म हो जाए इस वेरिएबल को, इसकी वेरिएबल की जो जगह है जो ऑक्यूपाई जो उसने स्पेस करके रखा है उसको फ्री कर दो, उसको रिलीज कर दो ताकि कोई दूसरे किसी को हम एलोकेट कर सके। बिल्कुल आप ऐसा सोचो कि अगर आपने कोई घर खरीदा है तो गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि आपने इसको कितने सालों के लिए खरीदा है। अगर वो आपने उसको ये नहीं बताया गवर्नमेंट को कि कितने सालों के लिए आपने उनसे गवर्नमेंट से घर लिया है तो फिर क्या होगा, आप उस घर में रह भी नहीं रहे हो और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा कि आप उस घर में नहीं रह रहे हो, तो वो घर जो है ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, वो किसी को एलोकेट ही नहीं करेगा। मतलब कि अगर कोई आएगा उनके पास कि भैया हमें एक घर एलोकेट कर दो तो गवर्नमेंट देखेगा यार अभी तो कोई भी घर खाली नहीं है, तो बोल देगा नहीं कोई घर खाली नहीं है, बल्कि एक्चुअली में आप अपना घर छोड़ चुके हो, आपके घर में कोई नहीं रह रहा और आपका घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। आप ऐसा मत सोचो कि आपने घर खरीदा हुआ है, आप ऐसा सोचो कि आपने गवर्नमेंट का ही घर लिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि सरकारी क्वार्टर एलोकेट होते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर एलोकेट होते हैं, तो गवर्नमेंट क्वार्टर एलोकेट होता है तो मान लो कि आप गवर्नमेंट ने आपको क्वार्टर एलोकेट करके दिया, अब आपने अपना खुद का घर बना दिया प्राइवेट घर, तो अब आपने गवर्नमेंट का घर छोड़ दिया और अब अपने प्राइवेट घर में रहने के लिए चले गए, और आपने गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म नहीं किया कि आपने अपना घर छोड़ दिया है। अब अगर किसी और को वो घर एलोकेट करना होगा तो गवर्नमेंट को थोड़ा ना पता कि आपने घर खाली कर दिया है, उनको तो लग रहा है कि आप अभी भी वहां रह रहे हो, तो वो किसी को एलोकेट ही नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करता है। अगर आपने मेलॉक और केलॉक की मदद से अगर आपने कोई जगह को एलोकेट करवाया है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा कि कब आपकी इस जगह का अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बताया तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझेगा कि नहीं आपने जो जगह एलोकेट करवाई है हो सकता है कि आप उसको यूज कर रहे हो और वो किसी और को एलोकेट नहीं करेगा। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा जब आपका काम खत्म हो जाए कि नहीं अब जो आपने जगह मुझे एलोकेट करी थी अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, अब आप उसको रिलीज करके किसी और को दे दो। ये चीज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन की मदद से आप ये बताओगे कि ये पॉइंटर, फ्री फंक्शन के अंदर आप क्या पास करते हो, फ्री फंक्शन का सिंटेक्स देखो, फ्री फंक्शन के आप अंदर पीटीआर पास करते हो, मतलब फ्री फंक्शन के अंदर आप पॉइंटर पास करते हो कि ये पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसको फ्री कर दो। पॉइंटर को फ्री नहीं करता ये, मैंने ये बात पहले भी बताई है कि फ्री फंक्शन पॉइंटर को रिलीज नहीं करता,
पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है उस मेमोरी लोकेशन को फ्री करता है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय मेलॉक और कैलॉक फंक्शन मस्ट बी रिलीज बाय कॉलिंग फ्री फंक्शन। हमें मेलॉक और कैलॉक के द्वारा जो फंक्शन ने मेमोरी हमें एलोकेट करवाई थी उसको हमें रिलीज करना चाहिए, और उसको रिलीज करने के लिए हम फ्री फंक्शन यूज करते हैं। इफ द मेमोरी इज नॉट रिलीज्ड देन इट विल कंज्यूम मेमोरी अंटिल द प्रोग्राम एग्जिस्ट। और अगर हमने मान लो कि फ्री नहीं कराया तो वो मेमोरी जब तक बनी रहेगी जब तक आपने अपना प्रोग्राम खत्म नहीं कर देते, और जब तक आपका प्रोग्राम नहीं खत्म हो जाता तब तक आपका फंक्शन मेमोरी में वो रैम में वो जगह रहेगी। तो कब फ्री करेंगे, तो देखो हमने यहाँ पर पॉइंटर से मेमोरी एलोकेट करवाई, और हमने इस पॉइंटर को कब तक यूज किया, हमने इस पॉइंटर को यहाँ तक यूज किया। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम में आपका पॉइंटर का काम खत्म हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो फ्री, आप यहाँ पे लिख दो फ्री, और फ्री लिखने के बाद आप लिख दो यहाँ पर पॉइंटर का नाम। इससे पॉइंटर खत्म नहीं होगा, पॉइंटर अभी भी रहेगा। आप ऐसा सोचो कि फ्री पी लिखने से पी जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं, पी रहेगा, पी अलग है और मेमोरी एलोकेशन मेमोरी एलोकेट की गई है वो अलग है ना। मैलॉक फंक्शन ने जो 10 बाइट एलोकेट करवाई है वो अलग है, और आपका पॉइंटर पी जो है वो अलग है ना। तो ये आपका पी पॉइंटर है और ये वो 10 बाइट है जो एलोकेट हुई है, और इसका एड्रेस जो है वो हमारे पास इस पॉइंटर में है। ठीक है, तो अगर हमने फ्री पी लिखा तो ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है ये रिलीज हो जाएगी, लेकिन आपका जो पी पॉइंटर है वो रहेगा। ठीक है ना, कई स्टूडेंट्स ये समझ बैठते हैं कि फ्री पी लिखने से हमारा जो पॉइंटर है वो खत्म हो जाता है। नहीं, पॉइंटर खत्म नहीं होता, पॉइंटर तो रहता है, क्योंकि पॉइंटर जो है वो इंट से बना हुआ है, मतलब कि वो स्टैटिक वेरिएबल बना है। वो तो तब तक रहेगा जब तक आपका फंक्शन रहेगा। वो कब खत्म होगा, पी, जब फंक्शन आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्री पी लिखने से वो मेमोरी को जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो फ्री हो गया। फ्री हो गया मतलब अब वो फिर से दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंच चुका है, अब वो जगह जो है वो किसी और फंक्शन को एलोकेट कर सकता है। तो इसलिए हमें फ्री लिखना चाहिए। बाकी अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें आपको कोई अंतर नहीं पता चलेगा। मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी भी ये बिल्कुल पहले की तरह ही एग्जीक्यूट होगा जैसे पहले हो रहा था। हमें कोई आउटपुट, हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। वो डिफरेंस किसको पता चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। हमें तो अभी भी वैसा ही लगेगा। तो जैसे कि मान लो मैंने 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मैंने एंटर करा दिया तो अभी भी प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अभी कोई आउटपुट में आपको पता नहीं चलेगा, बस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो मेमोरी आ जाएगी जो दोबारा से वो यूज कर सकता है। क्लियर है, तो फ्री फंक्शन समझ में आ गया। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास बचता है रीअलॉक। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने मैलॉक की मदद से कोई मेमोरी एलोकेट करवाई या कैलॉक की मदद से कोई मेमोरी एलोकेट करवाई। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये जो हमने मेमोरी एलोकेट करवाई है ये हमने गलत एलोकेट करा ली, हमें तो बड़े साइज की मेमोरी एलोकेट चाहिए थी। ठीक है, कोई तरीका जिससे कि हमें फ्री का पता चल सके, तो बिल्कुल एक तरीका हो सकता है। अब आप अगर मान लो कि आपने वो पता करना है कि आपका फ्री फंक्शन चला कि नहीं चला, तो आप एक काम कर सकते हो, इसके बाद में आप फिर से पी को इस्तेमाल करो और पी की वैल्यू प्रिंट करके देखो, क्योंकि अब ये हो चुका है वाइल्ड, अब ये हो चुका है एक तरीके से डैगलिंग पॉइंटर। डैगलिंग पॉइंटर क्यों, अगर मान लो आपने इसको पी अगर आप आपने यूज किया तो ये उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो लोकेशन अब रही नहीं। तो इसके बाद अगर आपने प्रिंट एफ लिखा यहाँ पर, और फिर अगर आपने यहाँ पर पी, अभी मैं उसको रीलॉक फंक्शन नहीं समझा रहा, रीअलॉक से पहले मैं कुछ और समझा रहा हूँ अभी सुरेश ने, क्योंकि बोला कि कोई मेथड है जिससे कि हम पता कर सके कि फ्री का इफेक्ट क्या हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोबारा से इसकी वैल्यू प्रिंट करके देखो, ठीक है, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है, हो सकता है कि वही आउटपुट आ जाए लेकिन दूसरा कुछ आउटपुट भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि अब वो जो मेमोरी है वो जा चुकी है। ठीक है, तो फ्री जब हमने पॉइंटर कर दिया है और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करके देखूं उसकी वैल्यू, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पर मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने एंटर करा दिया। तो देखो लास्ट में क्या प्रिंट हो गया, देखो यहीं पर आपको समझ में आ गया, देखो फ्री का इफेक्ट समझ में आ गया। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 था और यहां पर क्या आ गया 1, 3, 3, 0, 4, 1, 4, 4। क्यों, क्योंकि अब पॉइंटर के पास उसका एड्रेस ही नहीं रहा पहली लोकेशन का। अगर लेकिन फ्री नहीं लिखता, अगर मान लो मैं फ्री नहीं लिखता तो क्या होता, अगर मैं फ्री नहीं लिखता
तो देखो, अगर मैं फ्री नहीं लिखता और फिर इसको चलाता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो देखो क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हुआ। अगली बात समझ में, देखो अभी क्या प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो मेमोरी है। तो इससे दोनों चीजें साबित हो गई कि P तो है लेकिन P जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो चला जाएगा। आगे समझ में, तो ये डैगलिंग पॉइंटर का भी एग्जाम्पल है। जिन लोगों को डैगलिंग पॉइंटर का एग्जाम्पल चाहिए हो तो वो ये डैगलिंग पॉइंटर है, क्योंकि अब ये P जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है अब वो पॉइंट, अब वो लोकेशन नहीं रही। आगे बात समझ में। चलो तो हम जहां पर थे वापस वहां पर आते हैं। रीअलॉक फंक्शन में आपको समझा रहा था, तो अगर मान लो कि मैलॉक और कैलॉक की मदद से हमने कोई मेमोरी एलोकेट करवाई, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यही फायदा है कि हम चाहें तो कभी भी हमारी मेमोरी को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इफ द मेमोरी इज नॉट सफिशियंट फॉर मैलॉक और कैलॉक, यू कैन री एलोकेट द मेमोरी बाय री एलॉक फंक्शन। री एलोकेट मेमोरी किस नाम से मिलकर बना है? ये बना है री एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो अगर आपको दोबारा से मेमोरी को री एलोकेट करवाना है तो आप बना सकते हो। कैसे करवाओगे? री एलॉक फंक्शन कॉल करवाओगे, उसके अंदर वो पॉइंटर का एड्रेस पॉइंटर पास करोगे जो जिसका साइज आपको बढ़ाना है, और जो नया साइज है वो आप पास करोगे, बाकी कोड आपका बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, अगर आपको मैं इसको कोड के फॉर्म में अगर मैं समझाऊं तो देखो कोड के फॉर्म में मैं ऐसा समझाता हूं कि यहां पर हमने 10 साइज का मेमोरी ब्लॉक बनवा लिया था मैलॉक से। ठीक है ना, हमने 10 साइज का मेमोरी ब्लॉक बना लिया था। अब मान लो कि मैं चाह रहा हूं कि नहीं, मेरे को दोबारा से अब जो है पॉइंटर का साइज ज्यादा चाहिए, तो फ्री करने से पहले, है ना, फ्री अभी मैं नहीं कर रहा, मैं काम करता हूं कि मुझे 11 साइज चाहिए, तो मैं बोलूंगा int asterisk p और मैं इसमें मैं असाइन कराऊंगा री एलॉक फंक्शन कॉल करवा लूंगा, और इसके अंदर ये भी void pointer ही रिटर्न करता है। ठीक है, इसके अंदर मैं p pointer का पास करूंगा और इसके और दूसरा मैं बोल दूंगा 11 ठीक है, साइज न्यू साइज पास करने के लिए 11 into size of int। और यहां पर मैं लिख दूंगा सेमी कॉलन और इसको टाइप कास्ट कर दूंगा इंट में, इंट स्ट्रिंग। तो अब देखो क्या होगा, अब यहां पर रियलॉक से दोबारा से इस पॉइंटर पी जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसको दोबारा से मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन पहले 10 साइज की मेमोरी एलोकेट हुई थी, अब 11 साइज की एलोकेट करवा रहा, और फिर अब जो नेक्स्ट साइज जो आएगा उसमें मैं काम करता हूं कि उसमें मैं वैल्यू इनिशियलाइज करवा लेता हूं कुछ। ठीक है, तो अगला जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हुआ होगा P plus 10 से मैं उस लोकेशन को एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि P plus 9 तक तो पहले वाला लोकेशन था, तो P plus 10 पर मैं इनिशियलाइज कर देता हूं, जैसे कि मान लो 20, और फिर मैं यहां पर वैल्यू प्रिंट कराता हूं P plus 10 की, मतलब जो नया मेमोरी एलोकेट हुआ है मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवा के देख रहा हूँ, तो P plus 10 की मैं मेमोरी एलोकेट प्रिंट कर रहा हूँ। कोड समझ में आया? कोड में मैंने क्या लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ new value is percentage। क्या करा मैंने फिर से बता देता हूँ, कैलॉक की मदद से हमने मेमोरी एलोकेट करवाई थी 10 साइज की, ठीक है, और हमने यहां तक के कोड में पूरा 10 साइज यूज कर लिया, लेकिन मुझे लगा नहीं मुझे 10 नहीं 11 साइज चाहिए, तो मैंने क्या किया दोबारा से रियलॉक फंक्शन को कॉल करवाया और उसको बोला कि भैया 11 साइज की मेमोरी एलोकेट करके दो, और उससे फिर मैंने 10 के बाद जो 11वीं लोकेशन थी वहां पर मैंने 20 इनिशियलाइज करा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूं, यहां पर क्या एरर आ रहा है, क्या मैंने कर दिया एरर में, इसका रीडिफाइन, मैंने फंक्शन पी को रीडिफाइन कर दिया, यहां पर एस्ट्रिक यहां पर इंट नहीं लिखोगे, है ना, इंट नहीं लिखना है यहां पर, दोबारा से पॉइंटर थोड़ा ना बनाना है हमें, पॉइंटर तो पहले से बना हुआ है। हाँ, पी पॉइंटर तो दोबारा से बना दिया, पी पॉइंटर दोबारा से नहीं बनाना, वो तो पहले से बना हुआ है।
ठीक है, इसको हमने एग्जीक्यूट करवाया, तो एंटर 10 नंबर, तो 10 नंबर को एंटर करते हैं, तो 10 नंबर मैंने एंटर कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और फिर कराया, देखो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई और न्यू वैल्यू इज 20 भी प्रिंट हो गई। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से ये रियलॉक काम करता है। तो रियलॉक एक तरीके से क्या करता है कि नया मेमोरी ब्लॉक बनाता है और उसके अंदर पुरानी वैल्यू को कॉपी कर लेता है, ठीक है। रियलॉक फंक्शन क्या करता है, रियलॉक फंक्शन दो तरीके से काम करता है। एक तो जो पुरानी मेमोरी हमको मान लो जो 10 बाइट एलोकेट हुई थी, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद उसके बाद अगर कोई जगह होगी तो वो अगली बाइट को ही एक्सेस कर लेगा, एलोकेट कर लेगा, और अगर मान लो कि उसके पास अगर अगली बाइट एलोकेट नहीं होगी तो वो दोबारा से एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाएगा 11 बाइट का, पुरानी वैल्यूज को उसमें कॉपी करेगा और लास्ट वाली वैल्यू आपके लिए छोड़ देगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से मैं बता रहा हूं कि रियलॉक फंक्शन क्या करता है कि मान लो कि मैलॉक या कैलॉक की मदद से आपने पहले ये 10 बाइट एलोकेट करवाई, ठीक है, 10 बाइट आपने एलोकेट करवाई। अब आप बोल रहे हो रियलॉक फंक्शन से कि मुझे 11 बाइट चाहिए, तो पहले तो वो ये ढूंढेगा कि उसके अगला जो मेमोरी बाइट है क्या वो अवेलेबल है, अगर वो अवेलेबल है तो वो उसको एलोकेट कर देगा। लेकिन मान लो कि उसका अगला बाइट अगर एलोकेट नहीं हो सकता है तो वो एक दूसरी जगह ढूंढेगा जहां पर 11 बाइट मौजूद होंगे और वो 11 बाइट लेगा और पुराने वाले 10 बाइट को यहां पर कॉपी कर देगा और आखिरी वाला बाइट आपके लिए बचा रह जाएगा। तो इन दो में से कोई एक काम करता है, वो पहले तो वो कोशिश करता है कि अगला ही बाइट उसको मिल जाए ताकि उसको कॉपी करने का टाइम बच जाए, लेकिन अगर अगला बाइट अगर एलोकेट उसको नहीं मिल पाता है तो फिर वो नया जगह ढूंढता है और पुरानी वैल्यूज को कॉपी कर लेता है। आगे बात समझ में? हाँ, अगर 20 वैल्यूज अगर आपको इनिशियलाइज करवानी है, मान लो कि अगर आपको 20 ब्लॉक्स अगर एलोकेट करवाने हैं तो बस यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 20 इंटू साइज, तो आपका 20 बाइट एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। अभी बस समझ में? तो इस तरह से आपको मुझे लगता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा सी लैंग्वेज जितना हो सकता था आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी है। आगे भी ऐसा नहीं है कि खत्म किया है मैंने यहाँ पर, जो भी बीच बीच में कभी भी हमें टाइम मिलेगा तो इन शॉर्ट कभी कभी हम लोग क्लासेस जो है बीच बीच में लेते रहेंगे, जिसमें हम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ नए टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि पढ़ने का कभी अंत नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ो, कितना भी कोशिश कर लो, कभी भी कोई चीज खत्म नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद भी मेरे पास पेड कोर्स भी रखा हुआ है सी लैंग्वेज का, तो क्या होगा, कई लोगों का ये डाउट होगा कि सर आपने तो फ्री में ही सब पढ़ा दिया तो पेड कोर्स में क्या होगा। नहीं, पेड कोर्स में भी चीजें पढ़ाई है, और जो मैंने यहाँ पर चीजें पढ़ाई है उससे अलग चीजें उसमें पढ़ाई है, और अगर मैं फिर से सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा ना तो फिर से अलग चीजें पढ़ाऊंगा। तो इतना कुछ पढ़ाने के लिए होता है ना, इतना कुछ पढ़ाने के लिए होता है कि आप कभी भी उसको खत्म नहीं बोल सकते हो। आप जितना पढ़ते जाओगे उतना अलग अलग, आप यहाँ पर मैंने 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है सी लैंग्वेज की, और तीनों प्लेलिस्ट में अलग अलग चीजें पढ़ाई है मैंने, कोई में भी अलग सेम चीज नहीं मिलेगी आपको। अगर आप सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें मैंने प्रोग्रामिंग सिखाई हुई है, प्रीवियस ईयर गेट की प्लेलिस्ट देखोगे तो मैंने उसमें प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया है, इस वाली प्लेलिस्ट में मैंने कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और थ्योरी भी समझाई है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए हैं। और अगर आप मेरे पेड कोर्स पे जाओगे तो मैंने उसमें बेसिक से पढ़ाया है, मतलब अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना सी लैंग्वेज में तो मैंने उसको वहां से पढ़ाना शुरू किया है और वहां से ले जाके अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर गया। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है ना। आपके पास तो ओपन सोर्स दे दिया है मैंने, फ्री वाला भी दे दिया है और पेड कोर्स भी है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप फ्री वाला भी पढ़ो और पेड कोर्स भी पढ़ो ताकि आपका नॉलेज और बढ़ सके, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे ना उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। मैं तो खुद नहीं बोल सकता कि मुझे आता है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं आता, सबके लिए पढ़ने के लिए हमेशा लाइफ टाइम रहेगा ही रहेगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे आता है, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, अनंत है, अनंत है, अनंत सागर है। जितना आप गहराई में डूबते जाओगे आपको और गहराई का रास्ता मिलता ही जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा कोई बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है तो उसको कुछ नहीं आता, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। चलो, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं मुझे कि सर हमें सी लैंग्वेज तो आता है तो हमें क्या जरूरत है, अगर सी लैंग्वेज आता है तो बताओ मैं एक सवाल पूछता हूँ, बता दो उसका जवाब, अगर वो जवाब दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपको सी लैंग्वेज आता है। ऐसा नहीं है, सीखने के लिए हमेशा रहता है,
तो आप लोग भी आगे सीखिए, बढ़िए, और बाकी लोगों को भी बढ़ाइए, सब लोग को शेयर करिए, ठीक है। हाँ, शाकिल ने भी कोर्स लिया हुआ है, वो उस बता रहा है आपको फीडबैक कि उसने खुद ने सी लैंग्वेज के कोर्स से पढ़ा है और फिर भी वो यहाँ पर लाइव क्लासेस अटेंड कर रहा है। और आप शाकिल से पूछ सकते हो कि क्या जो उसने पेड कोर्स में पढ़ा है, क्या मैंने वो यहाँ पर चीजें पढ़ाई है क्या? नहीं, सब चीजें अलग अलग है। मैंने कहा ना कि इतनी सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए कि जितनी बार भी मैं सी लैंग्वेज का कोर्स बनाऊंगा ना, उतनी बार मैं अलग पढ़ा सकता हूँ। सिर्फ सी लैंग्वेज नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन क्या होता है कि हमें चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अगर मान लो कि मुझे कोर्स बनाना है तो उसको किसी ना किसी जगह पर जाकर रोकना पड़ेगा, नहीं तो कोर्स कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें कहीं ना कहीं पे ले आकर उसको इस तरह से बनाना पड़ता है कि हम कर सके। कहाँ से मिलेगा कोर्स? नीचे डिस्क्रिप्शन आपको ये लिंक दिख रही है, ब्लू कलर की पट्टी, इसमें लिखा हुआ है pratikjainacademy.com, ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर भी ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर आप पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। नीचे आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर वीकेंड पर लॉकडाउन लगने वाला है भोपाल में, तो हो सकता है कि सैटरडे की क्लास ना हो पाए, हो सकता है, कोशिश की करेंगे कि हो जाए। बाकी कल की क्लास भी हो सकता है पहले हो, क्योंकि शाम को 6 बजे से ही लॉकडाउन लग जाएगा, तो उसके पहले ही क्लास होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेस स्टार्ट से कर देंगे, बाकी मंडे से तो आपकी रेगुलर स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। और संडे को टेस्ट देना, और नीचे ऐप की लिंक है, वहां पर डाउनलोड करके वहां पर आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।